आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करके यहाँ भी वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, लिख सकते हैं इसको 2x, यहाँ पर इसको इसके प्लस लिखेंगे और इसके प्लस। ठीक है, तो 2x और यहाँ पर माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा इक्वल टू 10। ठीक है, इसको मान लिए 1, क्लियर है। इसके बाद फिर यहाँ जब लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3x और प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब दोनों को करेंगे सॉल्व, तो अगर दोनों करते हैं ऐड तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, तो नेक्स्ट स्टेप जो है दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर देखिए क्या होगा, ऐड करने पर ये वाला जो पार्ट है हमारा ऐड करने पर वो कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हो गया आंसर। अब यही x का वैल्यू या तो 1 में पुट कीजिए या फिर 2 में पुट कीजिए। ठीक है, तो 1 में पुट करते हैं तो अगला स्टेप में आप लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इसको रखेंगे तो हो जाएगा x का वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे 1 में तो हो जाएगा 6 माइनस y इक्वल टू 10, तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 4, क्योंकि ये इधर प्लस में उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया आपका माइनस 4। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर हो गया x और y का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी x y और को फाइंड आउट करना है, तो ये जो बाहर में दे रखा है इसको तो इंटर करा देंगे, इंटर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटर करा देंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y 3z और ये हो जाएगा 3w। ठीक है, इतना हो गया, और इधर भी है, यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है, इक्वल टू का चिन्ह इसके बाद है आपका, यहाँ पर है x है x और 6 है माइनस 1 2w, ये हो गया प्लस में, इधर भी है तो प्लस में है, यहाँ पर 4x प्लस वाई और यहाँ है जेड प्लस डब्लू और यहाँ है 3। ठीक है, इतना लिख दें। अब देखिए तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 3x को किसके साथ कंपेयर करें, तो x के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 3x से कंपेयर करेंगे लेकिन ये प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल टू का चिन्ह है x और यहाँ पर है प्लस का चिन्ह, तो इसीलिए प्लस का चिन्ह 4। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा 2x, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। y का वैल्यू कैसे निकालें, तो y का वैल्यू यहाँ पर है, ये है और यहाँ पर है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, तो हो जाएगा इसको 3y इक्वल टू और यहाँ पर 6 है तो 6 प्लस और यहाँ पर है x प्लस वाई। अभी अभी x का वैल्यू निकाले हैं 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 रखने के बाद इसका ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को इधर नहीं भेजेंगे, 8 को इधर ही रहने दीजिए, y को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा घट करके 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपका y का आंसर आ गया। ठीक है, अब w का निकालते हैं, तो w का निकालते हैं, तो w के लिए यहाँ पर w है, ठीक है 3w, फिर यहाँ पर 2w और इधर है 3। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, क्लियर है। अब यहाँ से इसको लाद देते हैं तो इधर घट कर को जगह सिर्फ w बराबर 3। ठीक है, तो w बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला अब की निकालते हैं z का, तो z का देखिए, तो यहाँ पर z है और यहाँ पर z है और z आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी अभी w का वैल्यू 3 आया है, याद रखिएगा, तो हो जाएगा 3z इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है आपका प्लस z
प्लस डब्लू। अब डब्लू का वैल्यू रख देंगे तो डब्लू का वैल्यू कितना आया था, थ्री। थ्री यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है, थ्री पुट करेंगे तो थ्री हो जाएगा माइनस वन से सोल्व, तो माइनस वन और थ्री कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इधर जेड है और यहाँ इधर थ्री जेड है, तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा टू जेड, और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा जेड बराबर वन, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, तो इस वीडियो में इतना ही।